1 करोड़ रुपए से ज्यादा की गुटखे की बड़ी खेप के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। पिछले कुछ महीनों से धुले में अवैध व्यापार के खिलाफ उनकी लड़ाई में धुले स्थानीय अपराध जांच विभाग और धुले पुलिस अधीक्षक ज्यादा आक्रामक हो गए। इस संबंध में धुले स्थानीय आपराधिक जांच विभाग ने अवैध रूप से परिवहन किए गए गुटखे की एक बड़ी मात्रा को जब्त किया, जबकि गुटखा और पान मसाला 3 ट्रकों में ले जाया जा रहा था। गुटखे से लदे एक आयशर ट्रक को सकरी रोड पर सूरत बाईपास पर महेंद्र होटल में खड़ा किया गया था। इस कार्यवाही में पुलिस द्वारा 1,37,28,000 रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। पुलिस ने 15 लाख रुपए के 3 आयशर ट्रक और 1,52,28,000 रुपए के सामान को जब्त किया। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नव भारत समाचार धुलिया से चिन्मय देवरे। कल दिनांक 12 मे रोजी जी अपन धुले जिल्ह्यामध्ये अवैध धंद्यांविरुद्ध एक मोहीम उभी केलेली आहे। त्या मोहिमेच्या अंतर्गत LCB आणि आमच्या इतर सगळ्या धुळे जिल्हे पोलीसच्या टीमने मोठ्या प्रमाणावरती गुटखा 3 ट्रक भरून साधारण हा जप्त केलेला आहे आणि त्याची टोटल जर आपण केली तर 3 ट्रक्स मिळून टोटल 1,37,00,000 एवढा मोठा गुटखा हा आहे आणि त्यात 3 ट्रक्स पण आपण जप्त केलेले आहेत। आता आपण फूड अँड ड्रग्स डिपार्टमेंट ज्यांच्याकडे हा विषय असतो तर हा सगळा पुढील कारवाईसाठी आपण त्यांच्याकडे तो देणार आहोत आणि गुन्हे दाखल करणार आहोत आणि त्याच्याप्रमाणे योग्य कारवाई करणार आहोत। या कारवाईमार्फत आपण हाच संदेश देणार आहोत की अवैध धंद्यांना धुळे जिल्ह्यामध्ये आम्ही कुठेही थारा देणार नाही आणि त्यांच्याबद्दल अत्यंत कडक कारवाईच्या सूचना मी सर्व आमच्या पोलीस स्टेशनला दिलेल्या आहेत।